क्या आप सभी के पास पुराना लैपटॉप, पुराना डेस्कटॉप है और उसके अंदर जो है आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज़ के पुराने लैपटॉप या पुराने डेस्कटॉप के अंदर विंडोज़ 11 को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ऑफिशियल ISO को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, पेन ड्राइव को कैसे ओल्ड कंप्यूटर्स के लिए कैसे बूटेबल बनाएंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, ये सारी चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे और कौन कौन से टूल्स जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे टूल्स के जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटे से कुछ स्टेप्स हैं, इनको जो है आपको फॉलो करना है और जो है आप अपने पुराने कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ 11 को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बता दूं, आधा अधूरा ज्ञान जो है हर चीज़ के लिए खतरनाक होता है, तो इसलिए इस वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ आके जो है आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 सपोर्ट करता है या नहीं। तो PC हेल्थ चेकअप ऐप के नाम से ये टूल है, इसको जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मात्र 13 MB 15 MB का टूल है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा और इसको जो है आपको अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल करना है। आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर जो है विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है या नहीं, ये चेक करना बहुत कंपलसरी है। मैं आपको चेक कर देता करा के दिखा देता हूँ कि यहाँ मेरे कंप्यूटर में ये सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सभी को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये स्टेप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप सभी को पहले से पता है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 रन नहीं होगी, तो ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, टूल ओपन हो जाएगा, चेक नाउ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये साफ साफ बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर में जो है सिक्योर बूट इनेबल नहीं है, TPM 2.0 नहीं है और प्रोसेसर भी जो है आउटडेटेड है। तो कोई बात नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं हम यहाँ से। अब आपको जो है ISO फाइल को डाउनलोड करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट की इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, इन दोनों मेथड को आपको स्किप कर देना है। बस आप यहाँ पे आके जो है ऑलराउंडर मेथड ISO फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और विंडोज़ 11 सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब ये प्रोडक्ट लैंग्वेज पूछ रहा है, तो आप इसे ISO की प्रोडक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सी चाहिए आपको, इंग्लिश चाहिए, इंटरनेशनल इंग्लिश चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल कंफर्म करते हैं हम और 64-bit के लिए इसको डाउनलोड करते हैं। अगर आपका पुराना कंप्यूटर है 32-bit में और 64-bit सपोर्ट नहीं करता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 आप जो है इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खाली जो है 64-bit में ही है, 32-bit में नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसे कैंसिल करता हूँ। अब आपको एक दूसरे टूल की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल पे रूफस लिखिए, फर्स्ट लिंक आएगा, आपको इस वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ से जो है आपको रूफस टूल को जो है डाउनलोड करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं पोर्टेबल एडिशन को जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो पोर्टेबल एडिशन पे गया, उसको डाउनलोड कर लेना है। 1.5 से 2 MB का सेटअप है, ईजिली जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको जो है ये सारे के सारे टूल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लिए हैं। अब आपको जो है सबसे पहले रूफस को रन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, तो इसको जो है नो कर देना अपडेट्स के लिए। अब यहाँ पे पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। तो फटाफट जाना है और अपनी जो विंडोज़ 11 की ISO फाइल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इमेज ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे बता रहा है, आपको विंडोज़ 2 को और स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ये दो ऑप्शन दे रहा है, आपको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन और पार्टीशन स्कीम MBR GPT। तो आपको MBR करना है पुराने वाले कंप्यूटर के लिए और GPT करना है नए वाले कंप्यूटर के लिए। तो हम यहाँ पे MBR करते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम लेवल पूछ रहा है, तो वॉल्यूम लेवल आप चाहे तो कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और फाइल सिस्टम NTFS कर देना और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ये फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है पेन ड्राइव, ठीक है, ओके कर दो। ओके कर देंगे और ये पेन ड्राइव को जो है फॉर्मेट कर देगा। करने के बाद जो है सारी फाइल्स को जो है आपकी ISO को आपकी पेन ड्राइव के अंदर बर्न कर देगा। तो ये 5 से 6 मिनट का टाइम ले सकता है और जल्दी भी हो सकता है। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडी आएगा लिखा हुआ, तो रेडी जैसे आएगा इसको आप क्लोज कर देना सॉफ्टवेयर को। अब आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, विंडोज़ 11 TPM सिक्योर बूट ऐसे करके फोल्डर है, यहाँ से आपको इस फाइल को जो है कॉपी करना है। तो इस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फाइल क्या करेगी फ्रेंड्स, TPM 2.0 को सिक्योर बूट को बाईपास कर देगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव में आना है और आपको यहाँ पे सोर्सेस वाले फोल्डर में आना है। यहाँ पे आके आपको इस फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो रिप्लेस करने को बोलेगा, आपको इस फाइल को रिप्लेस कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, ये फाइल जो है रिप्लेस हो गई। अब जो है आपकी पेन ड्राइव रेडी है। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी ने हमने किस तरीके से अपनी पेन ड्राइव को पुराने कंप्यूटर की सेटिंग्स के हिसाब से इसको बूटेबल बनाया। अब जो है अब आप इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके अपने पुराने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या डेस्कटॉप को फॉर्मेट करके उसके अंदर विंडोज 11 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है। सबसे पहले तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपको कुछ स्टार्टिंग के तो छोटे मोटे अपडेट्स मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कोई भी अपडेट्स आपको पुराने डिवाइसेस के लिए देखने को नहीं मिलेंगे। ड्राइवर सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें जो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस जो आपको देखने को मिलता है, उसको अभी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वालिटी अपडेट्स हैं, ठीक है, पैचेस हैं जो हर टाइम जो है माइक्रोसॉफ्ट कभी ना कभी जो है रिलीज़ करता रहता है। दो चार दिन के अंदर कोई भी उनको बग मिलता है तो वो फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे कोई भी अपडेट्स जो है आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तो आप इसको कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपका कंप्यूटर पुराना हो जाएगा, तब आपका कंप्यूटर जो है एक डेंजर जोन में चल जाएगा। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप जो है टाइम के हिसाब से अपने कंप्यूटर को जो है आप इसको अपग्रेड कर लीजिए, नहीं तो एक जो है नया पीसी जो है आप विंडोज़ 11 के लिए परचेस जरूर कर लीजिए, तभी जो है आप इसके सारे फीचर्स का अच्छे से मज़ा ले पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पुराने कंप्यूटर्स में सभी फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप सभी अपने कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक आपको टिप ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके ड्राइवर रिलेटेड कोई ना कोई इशू अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो विंडोज़ 10 के आप लेटेस्ट ड्राइवर जो है आप विंडोज़ 11 के अंदर अभी फ़िलहाल में आप उसको इंस्टॉल करके अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।